वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। और ये ना मैंने अपने बाल जितने दो दिन से जब मेरी छोटी मम्मी ने जबानी थी ना, वो मैंने इसीलिए ही नहीं खोली थी क्योंकि मुझे ऐसे बाल चाहिए थे। तो आज मैंने खोले, देखो कितने बढ़िया लग रहे हैं, बिना हीटलेस कर्ल करे मैंने। क्रीम बोलो, कर्ल करो, जो मर्जी बोलो, लेकिन मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं, देख सकते हैं आप। क्या है, क्या हो रहा है तुझे? को अपने ना हेयर का बाल दिखाते, एकदम से ऐसा लग रहा है जैसे कि मेरे सर में बाल और मैंने लगवा लिए हो। और मेरा भाई पीछे से सस्ता एमसी स्टैंड बन रहा है। मेरी बाहों में आ भी जा, मुझे इस गाने का नाम नहीं पता। पहले जो गाना गा रहा था ना, वो मेरा भाई था पीछे से, वो अब सिंगर भी बन चुका है। ऐसे पहले वो सस्ता एमसी स्टैंड बना था, वो सिंगर भी बन गया जबरदस्ती का। देखो कर रही है फालतू की बातें, फालतू की बात है तो तुम क्यों ना, क्यों तुम इसके दो हरकतें करती है, दो मर बाहर। और यहाँ पे ना ये कशान खेल रहा है, मैं आपको दिखाती हूँ। पर तुम लोगों की बॉल है तो बिल्कुल ही मैदान से बाहर ही चली गई। एक बार ये क्या है? है? तेरा मुंह है? तेरा मुंह नहीं है? दिखा 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 मेरा भाई। मुझे ले कर आ। बाहर निकल चुके हैं और धक्के खाते हुए हम कहीं तो जाएंगे। और ये तो मुझे भी नहीं पता हम कहाँ जा रहे हैं। ये वहाँ जाएगा पता चलेगा, क्योंकि मम्मी ने बुरा कर सनसनी बना के रखी है, बता नहीं रही। और मैंने बाल लपेट लिए हैं, चलो जहाँ भी जा रहे हैं। वो बटन है खुली जाता है, जब एक टाइट है जब ढीला था तब तो टाइट लगता है। अच्छा देखते हैं। अभी गई थी ना वहाँ से वापस आ गई मम्मी ना, मम्मी अपनी पुप्पी के घर पे लेके गई थी। वहाँ पे ना मुझे शर्म आ रही थी, पिछली तगड़ी वाली शर्म आ रही थी, क्योंकि मैं पहली बार गई थी वहाँ पे। तभी ना मैंने वहाँ पे व्लॉग नहीं बनाया, मुझे शर्म आ रही थी। अब मैं वहाँ से वापस आ चुकी हूँ अपने घर पे। अगर दो तीन बार जा चुकी होती तो वहाँ पे हाँ ज़रूर मैं कैमरे लेके स्टार्ट हो जाती, हेलो गाइस। तभी मैं वहाँ पे चार पांच बार अपना कैमरा ऑन करके बनाने की कोशिश करी, लेकिन मुझे ना बार बार शर्म आ रही थी। तो ही मैं ऐसी आगे मैंने सभी छोड़ कोई बात नहीं। मियाँ कहाँ जा रही हो? मियाँ भाग गई। हम ना अभी बाहर निकले थे तो हमने सोचा चलो आ जाओ पार्क ही चलते हैं, पार्क चलते हैं पार्क। तो हम आ गए यहाँ की हरियाली देखने के लिए। यहाँ पे हरियाली इतनी हो रही है कि हरा हरा कलर कम पड़ गया होगा, लेकिन क्या ही बताएं, बहुत ज़्यादा हो रही है। और ना काफ़ी सारे फूल वगैरह भी निकले हुए। वैसे मैं कभी भी यहाँ पर आकर पार्क में देखती नहीं थी, अब मैंने देखा यार बड़े सारे फ्लावर्स हो रहे हैं। और ये मेरे साथ में मेरी पार्टनर भी थी, हमने कहा आगे चलते हैं यहीं मुड़ जाते हैं। तो हम घूम फिर के इधर ही आ गए। जहाँ पे हमें बड़े क्यूट क्यूट से वाइट कलर के फ्लावर्स लगे हुए। वाह, पर गेंदे का फूल ये कद्दू का फूल है हमारा, सड़ा हुआ कद्दू। सड़े हुए कद्दू। 10 बजे और यहाँ पे ना गीला हो रहा है, नहीं 10 बजे से आएगी नहीं। एक दिन हमने ना सोचा था कि ना चलो चलते हैं मॉर्निंग वॉक के लिए। पहले दिन में हमारा सीन हो गया था हमारे साथ में, मेरे साथ नहीं हुआ था, नीरा के साथ में हुआ था। पार्क में आई, अंदर की तरफ गई, वहाँ पे वो पानी डाला हुआ था माली ने, गिर गई। और मैं कह रही उठना बेचती जाएगी। वहाँ पे ना बेलें लगी हुई है, काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लुक लग रहा है वैसे। धीरे धीरे
वो व्हाइट कलर का फ्लावर है ना, वो इतना ज़्यादा औसम लग रहा है, मुझे मन कर रहा है मैं उसे तोड़ लूँ और अपनी मम्मी को ले जाके दे दूँ। इसका मन नहीं कर रहा, ये करने वाली है। सोच रही थी ना, मैंने कर लिया है और मैंने ये तोड़ लिया है। तेरी इनायत, इना हाय करो। मैं घर पे आ चुकी हूँ और मैंने जो फूल तोड़ा था ना वहाँ से, अम्मी को दे दियो। सही से पढ़ ले। अगर ये नहीं लिखा हो, तुमने ये नहीं ना लिखा हो तो मैं क्या तो ये की जगह ये लग गया होगा क्या पता? ये जगह तो लगा होती है, ये शुक्र, ये वो शुक्र, ये शुक्र ही लिखा था ना, शुक्र कब लिखा था ना, बर्थडे में था, क्या लिखा था दोस्तों का? पहली बात तो मैं शुक्रिया लिखा ही नहीं था, थैंक यू लिखा होगा। हां थैंक यू दोस्त का बर्थडे अपना अलग ही चलता रहता है, वो ऐसे मजा लेता रहता, वो उधर रखती रहती है, वो दोनों में बहस होती है फालतू की विदाउट सिर पैर की। हाँ अच्छा 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 अच्छा, इतने बहस करना वो कुत्ते के आगे पीठ मजाने होता है, गाय के आगे पीठ मजाना होता है। मुहावरा भी गलत बोला है, मुहावरा ही है ना, हाँ मुहावरा ही है, नहीं मुहावरा नहीं है, ये सेंटेंस है, ये है उत्तमा बेगम। नहीं पूछ रही है ना, बोल रही है मुहावरा है, मुहावरा है क्या है ये? तो मैं जो फूल लेके आई थी ना, मैंने अपनी मम्मी के बालों में आते ही लगा दिया। मम्मी कह रही क्या लगाई, मैं जाके सीख से मैं देख लगा, मेरी मम्मी कस लगाई अरे। और पता है जब अभी हम लोग जब जा रहे थे ना रिक्शा से गए थे, तो ना वो रास्ते में जब रिक्शा ले रहे थे तो पता उसमें ये बड़ा दुपट्टा जो है ना फंस गया, और ये कहो मैंने ना उसको एक गले में नहीं डाल रखा था, नहीं तो मैं भी रिक्शे के साथ भी चलती चली जाती, और दुपट्टा अलग जा रहा मैं अलग जा रही हूँ, वो दुपट्टा लहराता हुआ चला गया, झाड़ू लगाता हुआ चला गया जमीन में, गिरी भैया रुक जाओ भैया, दुपट्टा कहाँ लेके जा रहे हो, कुत्ता जा ही रहे हो, दुपट्टा तो ना लेके जाओ भैया रुकी जाओ, ऐसा डर लेगी कुछ, ऐसा नहीं हो रहा है, अरे भैया कहाँ लेके जा रहे हो मेरा दुपट्टा? ये बिजनौरी कैसे बोलती है, मार दूंगी मैं तेरे, अपने मैसी हेयर के चक्कर में पता है इसके, पता है इसका आपको ना, अपने मैसी हेयर यूं 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 कर रहा था और रिक्शे में इसका सिर लग गया, ऐसे पकड़ के रह गया, मैं कह रही हूँ और कर ले अपने मैसी हेयर। गाइस ये देख सकते हैं मैंने अपनी मम्मी के बालों में यहाँ पे लगाया है फूल, कितना बढ़िया लग रहा है। ये देख सकते हैं आप, कितना बढ़िया लग रहा है, मेरी मम्मी के बालों में लगा, इसकी शोभा और बढ़ गई बालों में लग के मम्मी के। गाइस तो पता है कल ना मेरा पेपर है इकोनॉमिक्स का, तो मैंने उसका पढ़ाई करी, उसकी रिवीजन करी, तो सारे चैप्टर थे मुश्किल से सारे कंप्लीट हुए ना, दोनों बुकों के चैप्टर कंप्लीट करे, उसकी रिवीजन करी, उसके बाद अब कल पेपर है, क्या होगा कैसा पेपर आएगा, अब लोग मेरे लिए दुआ करना कि मेरा पेपर अच्छा जाए, ठीक है। और आज का व्लॉग बस इतना ही, आपसे मिलती हूँ कल, बाय बाय।